स्वागत है सबका डेली विद अमित शर्मा। आज हम आपके सामने एक नई खबर के साथ आए। जी आपको बता दी, भारत और यूएई के बीच इस मेगा डील को लेकर पिछले साल सितंबर में औपचारिक तौर पर बातचीत शुरू हुई थी। जी हाँ, आपको बता दें, यूएई फ्री ट्रेड डील, जी हाँ, दोनों देशों के बीच के व्यापार को नई ऊंचाई पर ले जाने के लक्ष्य के साथ यह करार हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने शुक्रवार को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक रिश्तों को बढ़ावा देने के लिए यह समझौता किया है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल और यूएई के फाइनेंस मिनिस्टर अब्दुल्ला बिन तुक अल मानी ने कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी सीपीईए पर हस्ताक्षर किए। एक वर्चुअल सम्मेलन के दौरान इस ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया गया। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने भी हिस्सा लिया। एग्रीमेंट के बाद गोयल ने ये बात कही। करार पर हस्ताक्षर करने के बाद उन्होंने कहा कि कॉम्प्रेहेंसिव और बैलेंस्ड ट्रेड एग्रीमेंट है। गोयल ने कहा कि इससे दोनों पक्षों के लिए कारोबार के बड़े अवसर पैदा होंगे। इस एग्रीमेंट से हमारे द्विपक्षीय कारोबार को दोगुना करने में मदद मिलेगी। भारत और यूएई का कारोबार, जी हाँ, एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज में कहा गया था कि एग्रीमेंट से भारतीय और यूएई के बिजनेस और बड़ा फायदा मिलेगा। रिलीज में कहा गया था कि इस करार से मार्केट एक्सेस को बढ़ाने और टैरिफ कम करने में मदद मिलेगी। इस बात की संभावना जताई जा रही है कि सीईपीए से अगले 5 साल में दोनों देशों के बीच का कारोबार 100 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा, जो अभी 60 बिलियन डॉलर